कभी आपने सोचा है कि इंडिया में ऐसा क्यों होता है कि हर कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता है? सोसाइटी ने पिछले 30 साल से मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरा बेटा इंजीनियर बनने का सपना सबको दिखाया। रीजन शायद ये था कि उसे ऐसा लगा कि शायद इतना पैसा मुझे किसी और करियर में नहीं मिल सकता, रेपुटेशन शायद उस लेवल की नहीं मिल सकती। तो एक रॉन्ग पेरेंटल एडवाइस अक्सर स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनने पे या डॉक्टर बनने पे मजबूर करती रही। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे 15 ऐसे करियर्स जो ना सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल को पूरी तरीके से टक्कर देते हैं, बल्कि आपको अपनी ही रेपुटेशन और पैसा भी दे सकते हैं। अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन, स्टिक टू द एंड। मेरे स्क्रीन के सामने हैं 15 ऐसे कोर्सेज जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला लगता है जो शायद मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी लगता है। आपको एक एंट्रेंस टेस्ट पास कर एक बहुत अच्छे कॉलेज में जाके दाखिला लेना है। उसके पीछे रीजन क्लियर है कि उस कॉलेज में जब आप जाते हैं तो आपका करियर सेट हो जाता है, आपकी ग्रेजुएशन सुपर ग्रेजुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है एक कोर्स का जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। सबसे बेहतरीन बात इस कोर्स की ये है कि ये आपको पैरेलल करियर ऑप्शंस में भी अपॉर्चुनिटी देता है। सो अगर आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉमर्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स में, मैथमेटिक्स में भी अपना करियर बना सकते हैं। बस यहाँ पर एक सलाह मैं स्टूडेंट्स को देना चाहता हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 10th के बाद मैथमेटिक्स को ऑप्शन में जरूर चुनिएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि इंडिया के जितने पॉपुलर इकोनॉमिक्स कॉलेजेस हैं वहां कंपल्शन लगता है मैथ्स आफ्टर 10th का। आप अगर इकोनॉमिक्स ले रहे हैं करियर के फॉर्म में तो आप RBI के साथ काम कर सकते हैं, नीति आयोग के साथ काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क विद ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल सैंपल सर्वे, बैंक्स। आप एक एक्चुअरी बन सकते हैं। एक्चुअरी एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर आप पेंशंस डिजाइन कर सकते हैं, या फिर आज के टाइम पर लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम्स बहुत चलती हैं जिनको डिजाइन करने वाला शख्स एक एक्चुअरी रहता है। आप फाइनेंशियल रिस्क एनालिस्ट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, वगैरह वगैरह। खूब सारे ऑप्शंस आपको इकोनॉमिक्स एज अ करियर देता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आज के टाइम में मैं इकोनॉमिक्स एज अ करियर चूज करना चाह रहा हूँ तो किन कॉलेजेस को मैं हिट करूं, किन कॉलेजेस को मैं टारगेट करूं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से एंट्रेंसेस मुझे लिखने होंगे। इस वीडियो में जिन भी कोर्सेज की हम बातचीत करेंगे उनके टारगेट कॉलेजेस के ऊपर भी बात करेंगे और कौन से एंट्रेंसेस को आपको टारगेट करना चाहिए उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में आज के टाइम पर वो हैं सेंट स्टीफन्स, SRCC, लेडी श्रीराम, बहुत ही बेहतरीन उम्दा कॉलेजेस। जितने ये कॉलेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। इसके अलावा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर का कैंपस बहुत ही जाना माना नाम है। NMIMS बॉम्बे के अंदर एक कॉलेज आता है जिसका नाम है सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आप सेंट जेवियर बॉम्बे ट्राई कर सकते हैं, लॉयला कॉलेज डाउन साउथ चेन्नई में देख सकते हैं। मेजॉरिटी जितने कॉलेजेस हैं उनके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने कॉलेजेस हैं जहां पे इकोनॉमिक्स आज BSc इकोनॉमिक्स या BA इकोनॉमिक्स के फॉर्म में आ रही है वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर आप NMIMS मुंबई को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, नेशनल लेवल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th। और अगर आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जितने एंट्रेंस टेस्ट हैं वो सबके सब एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, मतलब उसमें मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपके 12th रिलेटेड क्वेश्चंस भी डेफिनेटली पूछे जाएंगे। कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3 इंटर रिलेटेड करियर से है जिसका नाम है मैनेजमेंट। कोर्स नंबर 2 का नाम है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। कोर्स नंबर 3 का नाम है BBA या फिर BMS। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर BMS करें कि BBA करें? बस क्लियरेंस यही है कि BMS BBA दोनों इंटरचेंजेबली यूज वर्ड्स हैं। कहीं पे कोर्स किसी टाइप का होगा, कहीं पे कुछ होगा। अब कोई यूनिवर्सिटी BMS की डिग्री दे रही है, कोई आपको BBA दे रही है, आप डेफिनेटली दोनों डिग्रीज को आए कर सकते हैं। मैनेजमेंट अगर करियर की बात की जाए तो एक एवरग्रीन करियर है, 18वीं शताब्दी में भी चल रहा था, 22वीं 23वीं शताब्दी में भी डेफिनेटली मैनेजमेंट का बोलबाला रहेगा, क्योंकि छोटी से छोटी फर्म से लेकर एक बड़ी से बड़ी MNC को ड्राइव करने के पीछे जिन लोगों का हाथ होता है उसका नाम है मैनेजर। IPM की बात की जाए, इट्स अ डुअल डिग्री प्रोग्राम, सो 12th के तुरंत बाद आप एक बेहतरीन बी स्कूल में जाके पढ़ाई कर सकते हैं। डुअल डिग्री प्रोग्राम है तो मतलब बैचलर्स और मास्टर्स साथ में आप करेंगे,
अमूमन रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, तो आप IIM जैसे इंस्टीट्यूट में जाकर आप 5 साल के लिए पढ़ाई कर सकते हैं और इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको 12th के बाद कहीं नहीं मिलने वाली। आजकल कोलोक्वियली ये भी कहा जाता है कि IPM इज द बेस्ट कोर्स अवेलेबल अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स आफ्टर स्टैंडर्ड 12th। उसके पीछे रीजन है कि इतनी बड़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स नहीं देते। लगभग एवरेज प्लेसमेंट 25 लाख के आसपास जा रहा है। इस साल तो IIM इंदौर के फिगर्स बिल्कुल चौंकाने वाले थे, 30 लाख के ऊपर एवरेज प्लेसमेंट गया। स्टूडेंट्स को 15 लाख से लेकर 1 करोड़ 1.25 करोड़ के आसपास के बीच की रेंज का प्लेसमेंट आज के टाइम पे मिल रहा है। सोच के देखिए कि 5 साल के बाद आप कहाँ खड़े होने वाले हैं। और IPM की टक्कर में बाकी कोर्सेज इसलिए भी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो इतना प्लेसमेंट तक पहुंच जाते हैं, बट बाकी जितने कोर्सेज हैं वहां पर 10 लाख का प्लेसमेंट भी जाना बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। IPM के लिए जो आपको एंट्रेंसेस लिखने होते हैं उनका नाम है IPM एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर, चिप मैट ज्वाइंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, IIM रोहतक IPM एप्टीट्यूड टेस्ट रोहतक। आजकल एक नया एप्टीट्यूड टेस्ट है क्रिया एप्टीट्यूड टेस्ट जो डाउन साउथ आपको IFMR में एंट्री देता है, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जिसका खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है फॉर दी IPM प्रोग्राम। अगर आप 5 साल के लिए मैनेजमेंट में नहीं पढ़ना चाहते लेकिन BBA की डिग्री लेना चाहते हैं या BMS की डिग्री लेना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली टारगेट वन ऑफ द वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। इसमें सबसे पहला नाम यहाँ पर आज के टाइम पे आता है नारसी मुंजीज फ्रॉम मैनेजमेंट स्टडीज, अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स का। दूसरा नाम आता है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर का। तीसरा नाम आता है टापनी बैंगलोर का जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम आपको आज के टाइम पे प्रोवाइड कर रहा है BBA ऑनर्स के फॉर्म में। पांचवा आता है सिम्बायोसिस पुणे का, SIMS सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का। आप इन चारों कॉलेजेस में जाके पढ़ सकते हैं। इनके अलावा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अगर आप लिख रहे हैं तो एक कॉलेज आपको मिल सकता है जो आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट फिगर भी देगा और फीस भी बहुत कम चार्ज करने वाला है, जिसका नाम है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। इसको नजर में जरूर रखिएगा, ये आपकी बिल्कुल तकदीर बदल सकता है। कहा जाता है एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज आज तक का सबसे बड़ा सप्लायर है IIM अहमदाबाद का, मतलब MBA प्रोग्राम के लिए। बहुत कम ऐसे करियर्स हैं जहां पर ऑन द जॉब की तरह ग्रोथ होती हो, मतलब आप एक पीरियड वहां पर बिता दें, उसके बाद आप एक लेवल पे पहुंच जाएं, फिर थोड़ा और टाइम आपका वहां पे हो जाए तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाएं। कॉमर्स अपना कोर्स नंबर 4 आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड करियर पाथ देता है जिसमें आपकी ग्रोथ विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल निश्चित है। और कॉमर्स की सबसे खास बात ये है कि ये आपको डाइवर्सिफाइड करियर ऑप्शंस भी देता है। यहाँ पर आप नॉर्मल BCom कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज से और अपने करियर को नेक्स्ट स्टेज पे पहुँचा सकते हैं। आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, अगर आपको लीगल का थोड़ा और इंटरेस्ट है तो कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस इन द पैरेलल फील्ड्स लाइक इकोनॉमिक्स जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर बेस्ट कॉलेजेस की बात की जाए कॉमर्स के अंदर तो ये हैं SRCC, हंसराज, किरोड़ीमल, इनफैक्ट डाउन साउथ आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी भी ट्राई कर सकते हो। तो एंट्रेंसेस वही हुए, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। इसके अलावा अनिल सुरेंद्र मोदी स्कूल ऑफ कॉमर्स फिर से मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा और आप NPET एग्जाम उसके लिए लिखने वाले हैं। सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट ऑल्सो बिकम्स अ गुड चॉइस। अगला करियर डिस्कस करने से पहले कॉशन, कहते हैं कि किसी ने अगर गलत करियर चूज कर भी लिया और वो क्लोज एंडेड नहीं है, अगर वो करियर क्लोज एंडेड नहीं है तो वो शायद उससे बाहर आ सकता है किसी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अगर ये करियर आपने चूज किया तो कम्प्लीटली डाउनफॉल हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट का नहीं है तो। लेकिन अगर आपने चूज किया और ये आपके पैशन का करियर है, देन इट कैन गिव यू विंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी। कोर्स नंबर 5 इज साइकोलॉजी, जो वाकई में ह्यूमन बिहेवियर में, एक्शंस में और ऑब्जर्वेशन स्किल सेट्स के धनी लोग हैं वो साइकोलॉजी में जा सकते हैं। साइकोलॉजी काफ़ी टाइप की है, रिलेशनशिप साइकोलॉजी है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, करियर काउंसलिंग है, तो काफ़ी सारी फील्ड्स यहाँ पे आ जाती हैं। तो रिलेशनशिप साइकोलॉजी से हमारा मतलब है आजकल सोसाइटी इज फिल्ड विद लॉट ऑफ केसेस रिलेट टू प्रॉपर्टी और डिवोर्स, तो रिलेशनशिप साइकोलॉजिस्ट की नीड बहुत बढ़ रही है। उसी तरीके से करियर रिलेटेड एडवाइसेस भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को आजकल अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि जैसे 3 Idiots मूवी बनी उसके बाद एक एडवाइस है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि आप अपने करियर उसी करियर में जाइए जो कि आपके लिए बना हुआ है, तब से करियर काउंसलिंग ने एक बहुत अच्छा उछाल देखा है।
इसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो अगर आप डिप्रेशन एंजाइटी ऐसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको देख सकते हैं। और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी काफ़ी पॉपुलर है विद इन इंडस्ट्रीज, जहाँ पर HR प्रोफाइल पर लिया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट को, एंड दे हेल्प टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेटेड इश्यूज। टॉप कॉलेजेस की यहाँ पे बात की जाए तो दो कॉलेजेस बहुत जाने माने हैं, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जीसस एंड मैरी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी सेंट जेवियर बॉम्बे, IIPR बेंगलोर, फर्ग्यूसन पूना, कुछ अच्छे कॉलेजेस का नाम और है। IIPR बेंगलोर का स्पेसिफिक जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूंगा, आने वाले टाइम में साइकोलॉजी का एक जाना माना नाम बनने वाला ये कॉलेज 2014 में ही स्थापित हुआ, लेकिन आने वाले टाइम में आप IIPR को देखेंगे बिकॉज वो साइकोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे काम कर रहा है विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एज वेल, टारगेट दैट कॉलेज एज वेल। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए लिखने वाले हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिखने वाले हैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, IIPR इंटरव्यूज लेता है, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाता। सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स नंबर 6 एंड नंबर 7 बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस बिकॉज आज का दौर है क्रिटिकल थिंकिंग का। अब शैलो थिंकिंग से बाहर आकर क्रिटिकल थिंकिंग बिकम्स वन ऑफ द वेरी वेरी गुड थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ और चीजें इन्वॉल्व हैं, लाइक यू नो इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट फॉर्मुलेशन, कम्युनिकेशन टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, और इसको एक स्टेज देने के लिए सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स बिकम्स फैंटास्टिक करियर चॉइसेस। सो आप हिस्टोरियन बन सकते हैं, ज्योग्राफर बन सकते हैं, सोशल सर्विस एजेंसीज के साथ आप एक्चुअली काम कर सकते हैं। एक न्यू एज करियर है जो बहुत आजकल हिट हो रहा है जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो एग्जिट पोल का दौर है आज के जमाने में, तो सोशल साइंसेज और लिबरल आर्ट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल ओवर देयर ऑल्सो। खूब सारी वैकेंसीज निकलती हैं लॉ एंड गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में, जहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर एक्चुअली यू नो टेकिंग पार्ट इन सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स करियर्स। ओवर हियर यू कैन राइट एग्जामिनेशंस लाइक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड डेफिनेटली आप कोई करियर वहाँ पर जाकर एक बहुत अच्छे बेहतरीन कॉलेज से जाके कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के लिए भी आपको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लिखना पड़ेगा, इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन इसने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पिछले साल से ही एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था। बहुत सारे कॉलेजेस प्राइवेट लेवल पे भी और हैं, लाइक फ्लेम एज वेल एज क्रिया, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू गेट इनसाइड द फील्ड ऑफ लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस। कोर्स नंबर 8, 9th एंड 10th जिनका मैं नाम लेने वाला हूँ, बहुत सारे ज्यादा एक्साइट भी करेंगे काफी सारे स्टूडेंट्स को। 8th पर है होटल मैनेजमेंट, 9th पे कलरी आर्ट्स, 10th पे ट्रेवल एंड टूरिज्म। अक्सर हम लोग बहुत बड़ी रेस्टोरेंट्स में जाके खाना खाते हैं और लगता है कि काश यहाँ पे मैं काम करता, चाहे वो ताज हो या ट्राइडेंट हो। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को घूमने फिरने का बहुत शौक होता है, तो क्यों ना उसी में अपना करियर बनाए। ट्रैवल एंड टूरिज्म, खासकर जब से टूरिज्म इंडस्ट्री फ्लरिश करी है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन गया है। अगर आपको पकाने की कला आती है, अच्छा खाना पकाना जानते हैं, तो कलरी आर्ट्स बिकम्स अ फैंटास्टिक करियर चॉइस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कहा जाता है कि श्रीलंका और इंडिया दो ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी का ट्रेट होता है, और अगर आपके अंदर हॉस्पिटैलिटी का ट्रेट है और आओ भगत करना अच्छी तरीके से जानते हैं, तो ये करियर ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल बना हुआ है। और इसके लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट लिखना होगा, NCHM JEE, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जिसको लिखने के बाद आप जा सकते हैं इंडिया के किसी पॉपुलर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के अंदर। खासकर बहुत ही नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, पूसा कैंपस दिल्ली का, बॉम्बे का IHM, बैंगलोर का, इन कैंपसेस को आप टारगेट कर सकते हैं। हमारा एक वीडियो और अलग से बना हुआ है NCHM के ऊपर, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। और ट्रेवल एंड टूरिज्म के लिए दो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, जिसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके अलावा आप टारगेट कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूट को, IITTM को, जो ग्वालियर में भी है और उसकी बहुत सारी शाखाएं और भी जगह पर है। कलरी आर्ट्स के लिए व्हाई डोंट यू ट्राई सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, और आप टारगेट कर सकते हैं सिम्बायोसिस को। इनफैक्ट काफी सारे IHMs अपने यहाँ पर कलरी आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। सो ऑल दीज थ्री करियर ऑप्शंस और कोर्सेज आर लुक्ड अप टू। एडवर्टाइजमेंट की जब भी बात होती है, मुझे वो चॉकलेट वाली एडवर्टाइजमेंट याद आती है जहाँ पर एक लड़का ऊपर चलता है और एक लड़की नीचे, और ऊपर से छतरी पकड़ी हुई होती है। किसी के दिमाग में वो थॉट तो जरूर आया होगा। एक और थॉट आता है उसी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट का, जहां पर एक लेडी कपड़े धोती है और अपने मालिक को कहती है कि ये आपका चॉकलेट रह गया है, और वो उसे कहता है ये मैंने आपके लिए ही छोड़ा था। सो ये सारे थॉट्स अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो आप क्रिएटिव हैं, और आप टारगेट कर सकते हैं क्रिएटिव करियर्स को, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एडवर्टाइजिंग का, नंबर 2 पब्लिक रिलेशंस का,
नंबर 3 जर्नलिज्म का। बहुत ही उम्दा करियर, बहुत ही अच्छा करियर पाथ, खूब सारा पैसा और बहुत ही नामी कंपनीज यहाँ पर आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर आपको डिग्रीज मिलती हैं बैचलर ऑफ मास कॉम एंड मास मीडिया की, बीएमएम की, बीएएमसीजे, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मास कॉम एंड जर्नलिज्म की, या बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की आप टारगेट कर सकते हैं यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ चुनिंदा कॉलेजेस को, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को, सेंट जेवियर बॉम्बे, बहुत ही उम्दा चॉइस यहाँ पर एक है, सिम्बायोसिस को डेफिनेटली, और एंट्रेंस टेस्ट आपको लिखने पड़ेंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सेंट जेवियर यहाँ पर अलग एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, सेंट जेवियर्स मुंबई एंट्रेंस टेस्ट या जेट कहा जाता है, जिसे आप टारगेट कर सकते हैं सिम्बायोसिस को वाया सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को वाया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो अगर आप यहां से बाहर जाते हैं तो यू कैन वर्क विद ह्यूज फर्म्स लाइक डीबीबी मुद्रा ग्रुप और एफसीबी उल्का, यू कैन वर्क विद दीज फैंटास्टिक फर्म्स एंड गेट वेरी हाई पैकेजेस टू। फिनटेक एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन, नंबर 14 पे आपकी चॉइस में, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, और आजकल आप सब लोग फिनटेक को हर दिन यूज कर रहे हैं, आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, आपके हाथ में फोन पे है, रेजर पे है, पेटीएम है, तो क्यों ना इसको अपना करियर बना दिया जाए, फाइनेंस में अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी में अच्छे, फिनटेक को करियर ऑप्शन बना सकते हैं, और इसके ऊपर कोर्स का इस यूनिवर्सिटी ने काफी साल पहले ही चालू कर दिया था, तो हो सकता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद या फिर कोविड के बाद फिनटेक की वैल्यू बहुत बढ़ गई हो। कोर्सेज हालांकि यहाँ पे कम अवेलेबल है, लेकिन आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर को टारगेट कर सकते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स कहीं काम नहीं करना चाहते, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, तो कोर्स नंबर 15 को चॉइस में रख सकते हैं, दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आप रेगुलर बीबीए बीएमएस कर सकते हैं, आईपीएम की पढ़ाई कर किसी कंपनी में जाकर काम कर फिर अपनी फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन और है आपके पास, एनएमआईएमएस का आईपीएम प्रोग्राम जो फैमिली बिजनेस के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, उसको आप टारगेट कर सकते हैं और काफी हद तक अपने स्टार्टअप को चालू कर सकते हैं। एक और बहुत उम्दा इंस्टीट्यूट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, जिसका नाम है मास्टर्स यूनियन, जो अपना 4-year कोर्स इस साल लेके आया। सडनली व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कोर्सेस और उन करियर से एसोसिएटेड करियर पाथ्स की जब हम बात कर रहे थे, तो कोई ना कोई करियर्स डेफिनेटली आपको एक्साइट किए होंगे, दोज आर द करियर्स दैट आर मेड फॉर यू। और बिफोर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड, अ वेरी वेरी यूजफुल एडवाइस फॉर ईच एंड एवरी वन, हाउ शुड यू चूज अ कोर्स फॉर सेल्फ। सबसे पहले अंडरस्टैंड स्किल्स रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स और करियर। जैसे कि मैंने बात करी एडवर्टाइजिंग की, तो आपका क्रिएटिव होना वहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। मैंने बात करी होटल मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपका हॉस्पिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैंने बात करी मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे आपका लीडरशिप रोल में होना बहुत ज़रूरी है, यू शुड नो हाउ टू डील विद पीपल। तो ये कुछ स्किल सेट्स हैं, ये ट्रेड्स हैं, हो सकता है आपके अंदर अभी है या नहीं है। तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, एक पीस ऑफ पेपर और पेन ले लेनी है, 5 स्ट्रेंथ्स को 5 वीकनेसेस को लिख लेना है, देन उन ट्रेड्स के साथ आपको मैपिंग करनी है। हो सकता है कुछ ट्रेड्स आपके अंदर हो, कुछ ना हो। सो कुछ जो ट्रेड्स नहीं, अपने आप से क्वेश्चन पूछेगा, आर यू गोइंग टू डेवलप दोज ट्रेड्स टिल द टाइम यू आर इनटू द बिजनेस। कुछ चीजें डेवलप की जा सकती है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आपको गाना गाना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू आर नॉट बॉर्न विद दैट काइंड ऑफ अ स्वीट थ्रोट। सो प्रैग्मेटिक थॉट के साथ फाइनली आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं, और फाइनली ये जरूर सोचिएगा कि इसमें मुझे पैसा कितने मिलने वाला है, क्योंकि आपको एट दी एंड अपनी फैमिली को भी कैटर करना है। फाइनली डिसीजन लेने के बाद उसके एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन आपको चालू कर देनी है। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। फॉर मोर सच वीडियोज कीप कमिंग ऑन सुपरग्रैंड यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एज वेल, गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। वी आर गोइंग टू कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट सेशन।